हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 5। इन द एक्सपेंशन ऑफ के प्लस एक्स रेस टू पावर 8, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 5 इज द 10 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सपेंशन लिख दो हेयर, ए प्लस बी रेस टू पावर एन इज इक्वल टू के प्लस एक्स रेस टू पावर 8, ठीक है। देयर फोर ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू एक्स एंड एन इज इक्वल टू 8, ओके। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स रेस टू पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए एंड एक्स रेस टू पावर 6 का हमें कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें जनरल टर्म का यूज करना होगा। सो देयर फोर जनरल टर्म इज टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए रेस्ट पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस्ट पावर आर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स रेस्ट पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए एंड एक्स रेस्ट पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए, ओके। अब बी की वैल्यू क्या है, एक्स है और एक्स रेस टू पावर क्या है, आर है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अगर हम आर की जगह पे 5 पुट करेंगे तो हमें एक्स रेस टू पावर 5 मिल जाएगा, और हम आर की जगह पे 6 पुट करते हैं तो हमें एक्स रेस टू पावर 6 मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो पुट आर इज इक्वल टू 5, ठीक है, पहले हम आर इक्वल टू 5 पुट करेंगे। तो यहाँ 5 पुट करें तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दैट इज टी 6 इज इक्वल टू एन की वैल्यू गिवन है 8 सी आर ने 5 पुट किया है इंटू ए, ए की वैल्यू है के, के रेस टू पावर एन माइनस आर, दैट इज 8 माइनस 5 इंटू बी की वैल्यू है एक्स, एक्स रेस टू पावर आर मीन्स 5, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है ये जो है एक्स रेस टू पावर 5 का कोएफिशिएंट है, ओके। सो दैट इज इक्वल टू टी 6 इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, क्या होता है 8c5 मतलब के 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ओके, इंटू के रेस टू पावर 8 माइनस 5 दैट इज 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 5, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, नहीं तो जनरल टर्म है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ओके। अब हमें एक्स रेस्ट पावर 5 का कोएफिशिएंट मिल गया है, क्या है ये वाली टर्म है इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। अब हमें एक्स रेस्ट पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए। सो नाउ पुट आर इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, यानी कि जनरल टर्म में अब हम आर की जगह पे 6 पुट करेंगे, ओके। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, टी 6 प्लस 1 टी 7 हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू एन सी 6 हो जाएगा, एन सॉरी एन की वैल्यू 8 है तो 8c6 इंटू के रेस्ट पावर 8 माइनस 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 6, ठीक है। बी की वैल्यू एक्स है, आर की वैल्यू हमने 6 पुट किया तो एक्स रेस टू पावर 6 हमें मिल गया है। अब यहाँ पे एक्स रेस टू पावर 6 का हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट मिल गया है, हम इसे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देयरफॉर टी 7 इज इक्वल टू 8c6 मतलब के 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, के रेस्ट पावर
8 माइनस 6 कितना होता है 2 इंटू एक्स एक्स टू पावर 6। तो अब हमें यहाँ पे एक्स एक्स टू पावर 6 का भी कोएफिशिएंट मिल गया है, ठीक है। अब हमें दोनों भी कोएफिशिएंट मिल गए हैं। अब गिवन कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स टू पावर 5 इज 10 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स टू पावर 6, ठीक है। सो बाय गिवन कंडीशन The coefficient of x is to power 5, तो x is to power 5 का coefficient क्या है, ये वाला है, ठीक है, that is 8 factorial upon 3 factorial into 5 factorial into k cube, ठीक है। क्या देख रहे हैं इसका coefficient, ठीक है, x is to power 5 का coefficient 10 times है, 10 times है किसके, एक्स एक्स पावर 6 के कोएफिशिएंट के, यानी कि इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 टाइम्स है इसके कोएफिशिएंट से, सो दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू के स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में यही इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। क्या गिवन था कि एक्स एक्स पावर 5 का कोएफिशिएंट 10 टाइम्स है एक्स एक्स पावर 6 के कोएफिशिएंट के साथ, तो हमने ये इक्वेशन बनाए, ओके। सो अब देखो यहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे के क्यूब है, के स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम के स्क्वायर डिवाइड कर सकते हैं, पर इसको थोड़ा सिंपल कर देंगे। अब ये हो गया, अब ये इसके डिनोमिनेटर में, अब जो टर्म डिनोमिनेटर में से इक्वल साइन के अपोजिट साइड जाती है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर से चेंज होकर वो न्यूमरेटर में चल जाती है, ठीक है ना। तो फिलहाल में अभी के रहने दो, देयरफॉर के क्यूब इज इक्वल टू 10 इंटू, अब ये जो टर्म डिनोमिनेटर में थी, ठीक है, उसको साइन के अपोजिट साइड भेजेंगे तो वो कहाँ चल जाएंगे, न्यूमरेटर में चल जाएंगे, यानी कि हम इसके ऊपर लिख देंगे या 10 के मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। क्या है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, अब 3 फैक्टोरियल का हम लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो हम 2 लिख देंगे। एंड 6 फैक्टोरियल का हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये जो के स्क्वायर है मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल साइन के अपोजिट साइड जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, दैट इज वो आ जाएगा के स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ओके। देयरफॉर अब ऊपर के क्यूब है, नीचे के स्क्वायर है, यानी कि ऊपर 3 के मल्टीप्लिकेशन में, नीचे 2 के मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 के से 2 के कट जाएंगे, यानी ऊपर सिर्फ 1 के बचेगा, ठीक है। सो सिंप्लीफाई के लिए जैसे कि यहाँ पे के क्यूब है, ठीक है, तो के क्यूब को हम लिख सकते हैं के इंटू के स्क्वायर, ठीक है। और ये के स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये के स्क्वायर से के स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, सिंपल क्या बच रहा है, के बच रहा है, ठीक है। एंड 6 है तो 6 3 2 जा 6 डिवाइड 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड क्या बचा है 10 बाय 2, देयरफॉर के इज इक्वल टू 2 5 जा 10, तो k की वैल्यू हमें मिल गई है 5, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टर्म कंटेनिंग x टू पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस x इंटू 3 एक्स प्लस 1 रेस टू पावर 9, ठीक है। हमें टर्म फाइंड करना है जो x एक्स पावर 6 कंटेन कर रहा है, मतलब कि हमें x एक्स पावर 6 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ओके। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा अलग टाइप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन है 3x प्लस 1 रेस्ट पावर 9, उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में कितना है 2 माइनस एक्स है, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा एक्सपेंशन लिखा हुआ है a प्लस बी रेस्ट पावर n का, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन हम इस तरह से करते हैं, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मतलब के हर एक टर्म को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
यानी कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, आगे जितने भी सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो लास्ट टर्म है उसे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, कोई चेंजेस नहीं है, जिस तरह से एक्सपेंशन था उसी तरह से एक्सपेंशन करें। अगर पहली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड में हर एक टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, उसी तरह से सिंपल सा एक्सपेंशन गिवन है। अब इसको हमने 2 - x से मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो एक्सपेंशन की जो टर्म रहेंगे, ठीक है, उन सभी टर्म को हमें 2 - x से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, इस तरह से सॉल्व करना है। बस हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम जनरल टर्म लिखते थे उसी तरह से जनरल टर्म लिखेंगे, बस उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस इतना सा है और कुछ भी एक्स्ट्रा का नहीं है। सो सॉल्यूशन हेयर, ए प्लस बी रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू क्या है, 3x + 1 रेस्ट टू पावर 9। एक्सपेंशन वही है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, एक पोजिशन पर है 3x एंड बी इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू 9। ओके, अब हमें कोएफिशिएंट चाहिए एक्स इज टू पावर 6 का। पहले तो हम जनरल टर्म लिख देंगे, जनरल टर्म TR+1, ठीक है, इज इक्वल टू NCR इंटू ए रेस्ट टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस्ट पावर आर। अब क्योंकि एक्सपेंशन को 2 - x से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हर एक टर्म को 2 - x से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि हर एक टर्म को 2 - x से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, टर्म को हम 2 - x से मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म ठीक है, देन सॉल्व करने का हमें, दैट इज इक्वल टू 2 - x इंटू एन 9 CR। आर की वैल्यू क्या पुट करना है हमें, अभी आर ही रहने दो, ए की वैल्यू है 3x रेस्ट टू पावर 9 - r इंटू बी तो 1 है, 1 रेस्ट टू पावर r। अब हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, हमें चाहिए एक्स रेस्ट टू पावर 6 का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स कहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, तो एक्स की जगह पे, आर की जगह पे हम कितना पुट करते हैं, हमको पावर 6 मिलेगा। अगर हम आर इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 9 - 3 6 मिलता है, यहाँ पे हमें एक्स रेस्ट टू पावर 6 मिल सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। सो पुट आर इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 2 - x t 3+1 t4 इज इक्वल टू 2 - x 9 CR इंटू 3x रेस्ट टू पावर 6 इंटू 1 रेस्ट टू पावर 6। ठीक है, 6 3, देन दैट इज इक्वल टू 2 - x इंटू 9 C 3 को अगर हम सॉल्व कर लिए तो क्या लिखेंगे, पहले 3 टर्म 9 × 9 × 8 × 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 × 2 × 1 × अब इनको सेपरेट कर दो, 3 रेस्ट पावर 6 इंटू x रेस्ट पावर 6। ठीक है, 1 रेस्ट पावर 6 तो 1 रहता है, 1 को मल्टीप्लाई करें कोई वैल्यू चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, सो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 2 4 जा 8, सो दैट इज इक्वल टू 2 - x इंटू 12 × 7 84 इंटू 3 रेस्ट पावर 6 इंटू x रेस्ट पावर 6। ओके, अब हम यहां पे क्या करेंगे,
टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 84, दैट इज 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 168, ठीक है, इंटू 3 रेस्ट पावर 6 इंटू x रेस्ट पावर 6, माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस इसका एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 84 इंटू 3 रेस्ट पावर 6 इंटू x रेस्ट पावर 7, ठीक है। ये जो वैल्यू मिली है हमें 2 माइनस एक्स टी आर प्लस 1 की वैल्यू मिली है, सॉरी टी 4 की वैल्यू मिली है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें द टर्म कंटेनिंग एक्स टू पावर 6 चाहिए था, ठीक है। तो ये जो टर्म है 168 इंटू 3 पावर 6, ये वैल्यू कंटेन कर रही है एक्स टू पावर 6 का, यानी एक्स टू पावर 6 की का जो कोएफिशिएंट है ये वैल्यू है। बट अब ये सिर्फ एक ही टर्म है ना पूरे एक्सपेंशन में। एक्चुअल में एक्सपेंशन क्या होता है, इसका अगर हम एक्सपेंशन करें 3x 9 का, यहाँ पे 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस .. tn तक क्या होगा, ठीक है। ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, ये टर्म है t4 टर्म है, ठीक है। हमने एक टर्म फाइंड किया t4, उसके अंदर हमको एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मिला x^6 का और x^7 का भी मिला है, ठीक है। मतलब कि एक टर्म में दो कोएफिशिएंट है। अब इस टर्म में x^6 है और हमें 7 में मिला है, यानी t4 में। मतलब कि हमने हमने x^6 का फाइंड करना था, तो जब हमने x^6 फाइंड करा तो हमें x^7 में मिला है, ठीक है। यानी अगर इससे पहले अगर हम x^5 फाइंड करते तो हमें x^5 के साथ में x^6 भी मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि इस टर्म में t4 के अंदर तो x^6 है और साथ में t5 टर्म के अंदर भी x^6 प्रेजेंट है। यानी कि हमें पूरे टर्म चाहिए जिसके अंदर x^6 प्रेजेंट होता है। तो हमें क्या चाहिए, ये तो फाइंड कर लिया, अब हमने t4 फाइंड किया है तो अब हम t5 भी फाइंड करेंगे ताकि उसके अंदर भी जो x^6 है वो भी हम ले सके, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे t5। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट r इज इक्वल टू 3 पुट किया था तो 4 पुट करो इन जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म है 2 माइनस एक्स, इंटू टी आर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू, इसमें हमें क्या करना है, r की जगह पे 4 पुट करना है ना, तो टी आर प्लस 1, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, एंड एन सी आर दैट इज 9c4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 3x 3x रेस्ट टू पावर 9 माइनस 4 इंटू बी की वैल्यू तो 1 है, 1 रेस्ट पावर 4। एंड यहाँ पे r की वैल्यू हमने 3 पुट किया है, ठीक है, तो 1 रेस्ट पावर यहाँ पे 3 आना चाहिए, क्योंकि गलत नहीं हुआ, क्योंकि 1 का पावर 6 लो या 3 लो 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पे हमारा कोई रॉन्ग नहीं हुआ है, ओके। चलो अब 1 रेस्ट पावर 4 ले लिया हमने, ये रह गया 2 माइनस एक्स, ओके, डबल से लिख देता हूँ, 2 माइनस एक्स इंटू एन सी आर दैट इज 9c4 इंटू 3x रेस्ट पावर 9 माइनस 4 इंटू 1 रेस्ट पावर 4, सो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू, इसका हमें सॉल्व करना है, दैट इज क्या करेंगे हम, नीचे 4 है तो पहले 4 टर्म लिख देंगे 9 फैक्टोरियल के, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 3 रेस्ट पावर 9 माइनस 4 दैट इज 5 इंटू x रेस्ट पावर 5,
एंड वन बाय फोर वन होता है, वन से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, एज इट इज रहेगा। देन टू माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे हम थ्री टू ज़ा सिक्स को सिक्स से डिवाइड कर सकते एंड फोर टू ज़ा एट। सो टू इंटू सेवन फोर्टीन, फोर्टीन इंटू नाइन 126, इंटू थ्री रेस टू पावर फाइव इंटू एक्स रेस टू पावर फाइव। अब इसको हमें टू से मल्टीप्लाई करना है और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू टू इंटू 126, टू सिक्स जर ट्वेल्व, कैरी वन, फोर प्लस वन फाइव, टू वन जर टू, इंटू थ्री रेस टू पावर फाइव इंटू एक्स रेस टू पावर फाइव माइनस, अब एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो 126 इंटू थ्री रेस टू पावर फाइव इंटू एक्स रेस टू पावर क्या था, फाइव से ये सिक्स हो जाएगा। ओके अब हमें पूरे एक्सपेंशन में एक्स टू पावर सिक्स कंटेनिंग वाली टर्म चाहिए थी, ठीक है, तो पूरे एक्सपेंशन में यहाँ पर एक्स टू पावर सिक्स कंटेन कर रहा है और ये यहाँ पर एक्स टू पावर सिक्स कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब ये सभी टर्म क्या होते हैं, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव सभी टर्म क्या होती है, एडिशन में होती है, ठीक है ना, तो ये एडिशन बस यहाँ पे साइन चेंज है इसलिए इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, ठीक है। सो नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर सिक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कहां पर है, यहां पे 168 इंटू थ्री रेस टू पावर सिक्स एंड यहां पर है, वैसे जनरली तो एडिशन होती है बट यहां पे माइनस का साइन है इसलिए हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी टर्म एडिशन में होती है हमें पता है। तो माइनस 126 इंटू एक्स इज टू पावर 5 इंटू एक्स इज टू पावर, ये तो कोएफिशिएंट है, ठीक है, इसी का तो कोएफिशिएंट है 3 इज टू पावर 5। अब हमें इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, अगर 3 इज टू पावर ये 3 है, अगर इनका पावर सेम हो गया तो क्या कर सकते हैं, हम इजीली सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, या तो क्या करो, ये 3 इज टू पावर 6 है, इसमें से एक थ्री निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे थ्री से पावर फाइव हो जाएगा, या तो यहाँ थ्री से पावर फाइव है तो इसमें से एक थ्री निकाल के इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा थ्री से पावर सिक्स, ये इजी रहेगा, ठीक है ना। अब 126 को थ्री से डिवाइड करके देखो होता है क्या, होता ही होगा, होता है, ठीक है, 42 यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 168 इंटू थ्री रेस्ट पावर सिक्स माइनस, यहाँ क्या होगा 126 को हम लिखेंगे 42 इंटू थ्री रेस्ट पावर 5, तो ये हो जाएगा कंबाइन होके इंटू थ्री रेस्ट पावर 6। अब थ्री रेस्ट पावर 6 कॉमन ले लो, बस हमें सब्ट्रैक्शन करने का 168 माइनस 42 का, ओके इंटू में थ्री रेस्ट पावर 6 है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करो कितना मिल जाएगा हमें, सिक्स टू एंड वन, ठीक है, 126 इंटू थ्री रेस्ट पावर सिक्स। अब थ्री रेस्ट पावर सिक्स कितना होता है सॉल्व करके देखो, अगर उस तरह से नहीं आता है तो थ्री रेस्ट पावर थ्री इंटू थ्री रेस्ट पावर थ्री कर सकते हैं हम, यानी कि 27 इंटू 27 हम कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 729। ओके अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज 91854, ठीक है। अब ये टर्म है जो क्या कर रही है, एक्स टू पावर सिक्स कंटेन कर रही है पूरे एक्सपेंशन में, ओके सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, ओके okay? देन नेक्स्ट वन, देन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6, उसका जो हमें आंसर मिला है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग आंसर है,
तो वो गलत भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से सॉल्व करके देखना। देन क्या गिवन है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 2x रेस टू पावर m इज 112, फाइंड m। ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पे, m की वैल्यू फाइंड करना है और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमें गिवन है 112। इजी क्वेश्चन है सॉल्यूशन। हेयर a प्लस बी रेस टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2x रेस टू पावर m, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2x एंड n की जगह पे हमें m पुट करना है और हमें m ही फाइंड करना है। ओके, सो जनरल टर्म है हमारे पास r प्लस 1 इज इक्वल टू एम सी आर इंटू ए रेस्ट पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस्ट पावर आर। अब हमें आर की ऐसी वैल्यू लेना है कि हमें एक्स स्क्वायर मिले। ठीक है, अब टू रेस्ट पावर 2x क्या है, बी की वैल्यू है। अब बी की वैल्यू हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, यानी कि हमें आर इक्वल टू क्या पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा। ठीक है, सो लेट r इज इक्वल टू 2, देयरफॉर t 2 प्लस 1 3, n की जगह पे m c 2, a की वैल्यू है 1 रेस्ट पावर n माइनस r, दैट इज m माइनस 2 इंटू b की वैल्यू है 2x रेस्ट टू पावर 2। ठीक है, r लिया था हमने, r की वैल्यू 2 कंसिडर किया है। सो mc2 क्या है, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस क्या होता है, एज इट इज एनी ऑफ इट। ठीक है, mc2। ठीक है, अब 1 1, अब ये m है, क्या है, इंडेक्स वैल्यू है और इंडेक्स वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो m माइनस 2 एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब 1 रेस्ट पावर कुछ भी ले लो, हमें 1 ही मिलता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसे वैनिश कर दो। अब 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या गिवन है, यहाँ पे हमें जो है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट मिला है एम सी टू इंटू 4 मिला है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 एम सी टू एक्स स्क्वायर टी 3 इज इक्वल टू। अब गिवन है हमें कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कितना है, वो 112, दैट इज ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 112। नाउ गिवन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 112। ठीक है, यानी यहाँ पे भी कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 112। देयरफॉर 4 एम सी टू इज इक्वल टू 112। नाउ अब ये 4 है, उधर डिनोमिनेटर में ले लेंगे और एम सी टू को हम एक्सपांड करेंगे, दैट इज एम फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है, एम माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 112 अपॉन 4। सो ये जो एम फैक्टोरियल है उसे हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डिनोमिनेटर में m माइनस 2 फैक्टोरियल है और जो 2 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू 2 ही होती है, इसको हम इधर न्यूमरेटर में भेज देंगे। ठीक है, दैट इज इसे डिवाइड कर लो पहले, 4 थ्री ज़ा 4 टू ज़ा 8 कैरी 3 4 8 ज़ा 32। ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। देन m माइनस 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, देयरफॉर
एम इंटू एम माइनस वन इज इक्वल टू 28, मल्टीप्लाई कर दो 6 एंड 5, 56। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमने परम्यूटेशन कैप्टन में बहुत से सॉल्व किया है। m इंटू एम माइनस वन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन उससे कम वाले नंबर से होना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 56 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7। ठीक है, दैट इज देयरफॉर m इंटू एम माइनस वन इज इक्वल टू अब इस 8, तो 8 इंटू 7 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस वन। ठीक है, आगे एक जैसा therefore 8 की जगह पे m है, m की जगह पे 8 है, सेम इक्वेशन है, therefore वी कैन राइट हेयर m इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, काफी इजी क्वेश्चन था विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।